स्टूडेंट्स, आज बेटा हम अपनी सप्लीमेंट्री रीडर का थर्ड लेसन करेंगे, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। अब जैसा मैंने आपको इस बुक के बारे में बताया कि ये हमारी सप्लीमेंट्री रीडर है और इसके जो लेसन्स हैं उनमें से हमारे को कोई रीडिंग स्किल के लिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसेज नहीं आएगा। तो इसका जो मैं लेसन है आपको एक समरी के तौर पर पढ़ाऊँगी, जिससे आपको इसकी स्टोरी, इसमें क्या थीम दिया गया है वो समझ आ जाएगा। उसके बाद जिसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मैं आपको बाद में समझा दूंगी, ताकि ये लेसन पूरा क्लियर हो जाए। तो ये निकाल लीजिए आप लोग, थर्ड लेसन है आपका जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके जो ऑथर्स हैं वो हैं तिशानी दोषी। तिशानी दोषी ने हमारे को इस लेसन में क्या बताया है वो आपको मैं मेन हेडिंग्स के तौर पर इसमें बता रही हूँ। और इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो हमें इसमें बताया इंट्रोडक्शन में, इन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ तिशानी दोषी डिस्क्राइब द जर्नी टू द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। सबसे पहले ये लाइन देख करके हमें पता चल रहा है कि इस लेसन में तिशानी दोषी ने हमारे को जिस चीज़ के बारे में बताया, जिस चीज़ का एक्सप्लेन किया है वो है अंटार्कटिका आइलैंड का। तो अंटार्कटिका जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, तो वहाँ पर तिशानी दोषी अपने कुछ स्टूडेंट्स को लेके जाती हैं और उसके बारे में हमें बताती हैं। और इसके आगे देखिए, द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, कि जो संसार का जितना भी भौगोलिक इतिहास है, लेखिका कहती है, वो अंटार्कटिका में ही छिपा हुआ है। जॉब ग्रीन स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एम्स एट टेकिंग हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, के टीचर थे जॉब ग्रीन, वो अपने स्टूडेंट्स को लेकर के प्रोग्राम बनाते हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को वो अपने साथ लेते हैं और संसार के अंतिम छोर की यात्रा पर निकल जाते हैं, और अंतिम छोर दैट इज कॉल्ड अंटार्कटिका। दोषी थिंक्स दैट अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो एंड अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इस लेसन की, और बार बार आपके डिटेल्ड लेसन में भी आ रही है कि जो अंटार्कटिका है वो अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों को जानने का सबसे बेस्ट प्लेस है। वहाँ जाकर हम व्हाट वाज द पास्ट एंड व्हाट इज द प्रेजेंट एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ द अर्थ, वी कैन नो अबाउट दिस फ्रॉम द अंटार्कटिका। अब नीचे देखिए समरी है इस लेसन की। अब ये जो जर्नी है वो जो शुरुआत होती है, इसकी बिगनिंग होती है, द नरेटर बोर्ड अ रशियन रिसर्च शिप द अकेडमिक शक्लिस्की, इट वॉज हीडिंग टूवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट एंड द विंडियस्ट कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड, अंटार्कटिका। हिज जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ टू द इक्वेटर ऑफ मद्रास, ही क्रॉस 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट 3 एकोस्फेयर, ही ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स इन कार, एरोप्लेन एंड शिप टू रीच देयर। कि इसमें हमें बताया गया है कि जो वर्णन करता है उसने अंटार्कटिका पर जाने के लिए एक रिसर्च शिप को के द्वारा उसने ये यात्रा की, जिसका नाम था द अकेडमिक शॉकलिस्की। अब ये जो शिप था, ये इनका उस जो संसार का सबसे बड़ा कंटिनेंट है, कोल्डेस्ट कंटिनेंट है, उसकी ओर बढ़ चला, जहाँ पे सूखी हवाएं हैं, बिल्कुल वीरान वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। अब 13.909 डिग्री उत्तर की तरफ से शुरू होकर के मद्रास में से वो चले, और 9 टाइम जोन्स उन्होंने आगे पार चले, 6 चेक पॉइंट्स पार किए, 3 बॉडीज ऑफ वाटर की, 3 बड़े बड़े विशाल महासागर पार किए। इसके बाद लगभग 100 घंटे की यात्रा कार, एरोप्लेन और पानी के जहाज के द्वारा करके फिर वो अपने अंटार्कटिका महाद्वीप पर अपने स्टूडेंट्स के साथ पहुँचे। इसके बाद आता है कि जैसे मैंने आपको बताया, अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें साउदर्न सुपर कंटिनेंट गोंडवाना की। अब इसमें ये आपको शुरू में बताया था कि जो अंटार्कटिका प्लेस है वो अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को जानने का सबसे बेस्ट प्लेस है। तो अब यहाँ पर गोंडवाना का जिक्र बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जो प्रेजेंट टाइम में हमारे को जो ये अंटार्कटिका के नाम से जिसको महाद्वीप को जानते हैं, जो इस समय वर्ल्ड का सबसे कोल्डेस्ट कंटिनेंट है, वो 650 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 6500 लाख वर्ष पहले ये सबसे बड़ा जो द्वीप था
ये गोंडवाना के नाम से जाना जाता था, जो आज अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है, पास्ट में वो गोंडवाना के नाम से जाना जाता था। और जो गोंडवाना के नाम से वो जाना जाता था वो कैसा था, इट सेंटर रफली अराउंड प्रेजेंट डे अंटार्कटिका। उस समय जो आज प्रेजेंट डे का अंटार्कटिका है वो उस समय वो बिल्कुल एक खुरदरा महाद्वीप था। ह्यूमन बींग्स हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। उस समय इंसानों का धरती पर आगमन नहीं हुआ था। द क्लाइमेट एट दैट टाइम वॉज मच वार्मर। इस समय जो अंटार्कटिका इतना कोल्डेस्ट कंटिनेंट माना जाता है, जब वो गोंडवाना के रूप में था लाखों वर्ष पहले, तो उस समय वो सबसे गर्म महाद्वीप था। इट सपोर्टेड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कि दो प्रकार की वनस्पति ही वहाँ पर पाई जाती थी, फ्लोरा एंड फौना। When the dinosaurs became totally extinct and the age of mammals began, और जब गोंडवाना का अस्तित्व था उस समय जो केवल एक प्रजाति थी वो डायनासोर्स की पाई जाती थी, जब डायनासोर्स का धीरे धीरे करके डायनासोर्स का अंत हो गया और उसके बाद मैमल्स का आगमन हुआ। द लैंडमास वर फोर्स्ड टू सेपरेट इन टू कंट्रीज एज दे एग्जिस्ट टूडे। उसके बाद जो ये गोंडवाना की धरती थी धीरे 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 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ती चली गई और सेपरेट होने के बाद इन्होंने अलग अलग कंट्रीज का रूप ले लिया। तो ये था हमारे को गोंडवाना के बारे में बताया था। नेक्स्ट आ जाइए आप स्टडी ऑफ अंटार्कटिका। द पर्पज ऑफ द विजिट वॉज टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लेखिका बताती है कि जो टीचर है वो अपने 52 स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका लेके गए हैं। अब यहाँ पे आया पर्पस ऑफ द विजिट वॉज टू नो मोर अबाउट अंटार्कटिका, कि उनका क्या उद्देश्य था कि वो अपने हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अंटार्कटिका ही लेके गए। तो वो इसलिए लेके गए थे क्योंकि इस टाइम जो ग्लोबल वार्मिंग है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आजकल जो भी हमारे इशू होते हैं, चाहे वो डिबेट का है, चाहे वो क्विज का है, या फिर वो किसी कंपटीशन का है, तो जो आजकल का जो बर्निंग इशू है, बर्निंग टॉपिक है, वो ग्लोबल वार्मिंग ही रहता है। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद भी जो जनरेशन है वो कोई भी अवेयर नहीं हो रहे हैं कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए या फिर कोई उनके प्रति ध्यान दे उसके प्रति। तो उस टीचर ने सोचा कि जब हम इनको अंटार्कटिका लेके जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सोचा कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं इनकी इस समय वो एज है कि जब इनको अब हम लेकर के जाएंगे ऐसी जगह पे जहाँ से इनको ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट पता चलेगा, तो शायद ये आने वाले समय में इसके प्रति अवेयर होंगे जब अपनी आँखों से इसका इम्पैक्ट देखेंगे। तो इसलिए वो उनको वहाँ पर लेके जाते हैं। इट इज़ टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कार्डियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शील्ड्स, ओजोन एंड कार्बन एवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन। तो वहाँ पर वो ले जाकर बच्चों को ये समझाना चाहते थे कि किस तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग सतह हैं वायु की, और कैसे ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ओजोन लेयर में कैसे हमारा जो छेद बढ़ता चला जा रहा है, एवोल्यूशन विकास बदलाव, इन सब के बारे में बताने के लिए लेखिका बताती है कि इनको बच्चों को वहाँ ले जाया गया। वहाँ जाकर इनको पता चलता है 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इन अंटार्कटिका, कि धरती की जो 90% बर्फ है वो सारी की सारी अंटार्कटिका में ही स्टोर है। आइसबर्ग्स आर एज बिग एज कंट्रीज, और वहाँ के जो बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो बहुत विशाल हैं, जैसे कोई बड़े बड़े देश होते हैं। डेज गो ऑन एंड ऑन इन 24 hours ऑस्ट्रल समर लाइट, और वो कहते हैं इस तरीके से दिन बीतते जाते हैं, 24 घंटे का समय बीतता रहता है और बच्चे अपना आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसके बाद उनके टीचर बताते हैं, ये तो हमारे को था अंटार्कटिका के बारे में बताया गया था। अब वो कहते हैं कि वहाँ पर बच्चे जाकर के देखते हैं कि अंटार्कटिका में जो 90% आइस है अर्थ की, वो अंटार्कटिका में ही इकट्ठी है। अब इमेजिन कर सकते हैं आप लोग कि अगर 90% जो आइस है वहाँ ग्लेशियर्स के रूप में है, और लेकिन धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वहाँ पर भी इसका जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और वहाँ के जो आइस शेल्स हैं वो धीरे धीरे टूटकर नीचे गिर रही हैं, जो बड़ी बड़ी झीलों का रूप धारण कर लेती हैं, और फिर ये पानी आकर के क्या करता है, नदियों में मिलता है, नदियों से सागर में मिलता है, और उसका लेवल फिर बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन। तो अब इसके क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, बच्चे वहाँ बहुत हैरान होते हैं कि इतने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं। तो इसके बाद जब बच्चे उसको देख के हैरान आते होते हैं तो उनके टीचर उनको बताते हैं कि ह्यूमन इम्पैक्ट, ह्यूमंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पड़ सकता है।
The most hotly contested debate of a time is whether West Antarctica ice sheet will melt entirely or not. आप वो कहते हैं कि आज का जो सबसे ज्वलंत डिबेट का टॉपिक है वो ये है कि जो अंटार्कटिका की जो बर्फ है कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर पूरी पिघल जाएगी तो क्या होगा. अंटार्कटिका हैज अ सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. अंटार्कटिका पर जो इकोसिस्टम है बिल्कुल साधारण है और यहाँ पे किसी भी प्रकार के जीव जंतु और नहीं पाए जाते. बिल्कुल दूर दूर तक जहाँ तक देखा जाए वो बिल्कुल बर्फ ही बर्फ नजर आती है. कोई स्टडी के लिए ना तो कोई बिल्डिंग्स है, ना ह्यूमन बींग्स है, ना ही कोई ट्री प्लांटेशन है. इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव अ बिग रिपरक्यूजन. तो वो कहते हैं कि जो अंटार्कटिका है वो एक सबसे अच्छा स्थान है इस चीज़ को स्टडी करने का कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या बदलाव आते हैं और उनके बदलाव के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं. साइंटिस्ट वांट दैट अ फर्दर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ सी एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन. तो लेखिका बताती है कि साइंटिस्ट ने भी ये चेतावनी दे दी है कि जो जैसे जैसे धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी प्रोटेक्शन लेयर जो हमारी अर्थ को बचाती है वो ओजोन लेयर कहलाती है, अल्ट्रा वायलेट रेस को डायरेक्ट हमारी अर्थ पर नहीं पहुंचने देती. लेकिन अब उसके अंदर जो गैप आ गया है वो धीरे धीरे गैप बढ़ता चला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से साइंटिस्ट भी चेतावनी देते हैं कि उसकी वजह से जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं, हमारे पक्षी हैं, सबके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है. इट विल ऑल्सो अफेक्ट द ग्लोबल कार्बन साइकिल. और इसकी वजह से जो हमारे ग्लोबल का जो कार्बन साइकिल है उस पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा. द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज पोल्यूटेड द एटमॉस्फेयर. लोग ईंधन के लिए जो जंगलों को काटने लगे हैं उससे भी हमारा वातावरण खराब हो गया है. इट हैज क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड. इस धुएं की वजह से पूरे संसार में कार्बन डाइऑक्साइड की परत भी छा गई है. इट इज इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर विच इज विजिबल एट अंटार्कटिका व्हेन वी सी आइसबर्ग्स मेल्टिंग अवे. और इसका परिणाम जो है क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसका जो परिणाम है वो हम अंटार्कटिका में जाकर पिघलती बर्फ के रूप में देख सकते हैं. इट शोज हाउ माइनर चेंज इन द एटमोसफेयर कैन कॉज ह्यूज इफेक्ट. और ऐसा दिखाई देता है कि ये छोटे छोटे बदलाव आगे आने वाले समय में हमारे वातावरण में एक बहुत बड़े प्रभाव का कारण बन सकते हैं. इफ द ग्लोबल टेम्परेचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमन रेस मे बी इन पेरिल. इसी तरीके से ये टेम्परेचर अगर दिन पर दिन ऐसे ही बढ़ता चला गया तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा. Students on Ice is a program which provides the students an ample opportunity to understand how global temperature can be a big threat to human existence. Student on Ice, ये उन्होंने अपने मिशन का नाम रखा था जो वो बच्चों को लेके गए थे. इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को ऐसा अवसर उपलब्ध कराना था ताकि वो जो हमारी धरती पर दिन तापमान बढ़ता जा रहा है तो वो हमारे लिए किस तरह से कितना बड़ा खतरा है उसके प्रति ये आने वाली जनरेशन अवेयर हो सके. इट इनकल्केट्स अ न्यू अंडरस्टैंडिंग इन देम. और इसकी वजह से बच्चों के अंदर एक नई समझ जागृत हुई. जॉब ग्रीन थिंग्स दैट हाई स्कूल स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स. जॉब ग्रीन को ऐसा लगता था कि जो हाई स्कूल के 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो आगे हमारे भविष्य बनाने वाले हैं. दे कैन हेल्प इन सेविंग द अर्थ फ्रॉम एकोलॉजिकल डेंजर एंड द अफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. अगर वो अब से कोशिश करें तो आगे आने वाले खतरों से हमारी धरती को बचा सकते हैं और जो धीरे धीरे ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी धरती पर दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं इनको भी वो कम कर सकते हैं. इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. ऑथर गिव्स एन एग्जाम्पल टू शो हाउ स्मॉल चेंजेस इन द एटमोसफेयर कैन बी थ्रेटनिंग. अब क्लाइमेट चेंज के क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे ये बताया है. इसमें एग्जाम्पल देते हुए लेखक कहते हैं कि वातावरण पर जो इसके दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है. द माइक्रोस्कोपिक फीटोप्लैंकटन आर सिंगल सेल प्लांट. फीटोप्लैंकटन क्या होते हैं, जो समुद्र के अंदर अंदर या पानी की सतह पर जो काई के तौर पे छोटे छोटे पौधे उगते हैं जिनको सी एनिमल्स खाते हैं, वो सिंगल सेल जो प्लांट्स होते हैं और दे नरिश, वो इसी सूर्य की रोशनी की वजह से फलते फूलते हैं. द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन. और जो जितना भी दक्षिण महासागर है वहाँ उसके अंदर रहने वाले जीवों के लिए ये आहार श्रृंखला है. दे यूज द सन्स एनर्जी टू एसिमिलेट कार्बन एंड सप्लाई ऑक्सीजन.
any further depletion in the ozone layer may affect this functioning and indirectly affect the lives of all marine animals. ये जो जीव जंतु इस भोजन को खाते हैं फिटोप्लैंकटन को, तो ये सूर्य की रोशनी लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अपना ये फिटोप्लैंकटन पानी में फलती फूलती है. लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओजोन लेयर में इतना बड़ा गैप आ रहा है उसकी वजह से डायरेक्टली जो है इसके ऊपर फर्क पड़ रहा है, असर पड़ रहा है, जो कि जितने भी पानी में रहने वाले जीव हैं उन सबके लिए ये बहुत एक बड़ा खतरा है. तो इस तरीके से उन बच्चों को ये अवेयर किया जाता है कि किस तरीके से ये एनिमल्स के लिए भी कितना खतरनाक है. वॉक ऑन द ओशियन इट वॉज द मोस्ट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ द विजिट. बच्चे बताते हैं कि हमारे लिए बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस रहा. दे क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशियन. और इस तरीके से वो वहाँ पर ओशियन पर उनको देखा, वहाँ पर उन्होंने उसको अच्छी तरह से, देवर 52% वो 52 व्यक्ति थे. देवर वॉकिंग ऑन अ मीटर थिक आइस पैक. वहाँ पर जो मोटी बर्फ की सतह जमी हुई थी उसके ऊपर वो चले. अंडर द आइस पैक देर वॉज 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर. 180 मीटर नीचे उनको जीव जंतु, कुछ बड़ी मछलियाँ नजर आई और नीचे पानी दिखाई दिया समुद्र का. सील्स वर एंजॉइंग देमसेल्व्स इन द सन ऑन आइस. वहाँ पर उन्होंने एक दो सील्स देखी जो जहाँ हल्की फुल्की धूप पे एंजॉय करने बाहर आई थी. द नरेटर वॉज वंडरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द प्लेस. वर्णनकर्ता भी वहाँ की सुंदरता देखकर, अंटार्कटिका की सुंदरता देखकर बहुत प्रभावित हुई. वे ही विश्ड इट वुड नॉट बिकम ए वार्म प्लेस एट इट्स यूज्ड टू बी मिलियंस ऑफ इयर्स एगो. और उन्होंने ये इच्छा की कि यहाँ पर कोई सालों तक कोई गर्मी ना पहुँचे. इफ इट हैपन द रिजल्ट कैन बी रियूनियन. लेकिन अगर ऐसा हुआ, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पहुँचती गई, तो ये इसका जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा आगे सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा. तो इस तरह से बेटा इस लेसन में बताया है कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है वो हमारी क्लाइमेट के लिए, हमारी धरती के लिए कितनी हार्मफुल है. वी शुड अवेयर अबाउट दिस. इसके लिए हमारे को हमेशा सावधान रहना चाहिए. तो ये जो लेसन है मैंने आपको समराइज करके बताया है. बाकी अपने डिटेल आप इसमें देखना, बाकी जितना भी कुछ आपको इसका है वो क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा. अगर आप लोगों को ये समरी चाहिए, वैसे तो आपके पास लेसन है डिटेल, लेकिन समराइज करके जो मैंने आपको बताया है अगर आपको ये चाहिए तो इसका PDF जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसी में उसका लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ले सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.